व्लॉग सिनिक को जाके सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसका आपको बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे देखने को व्लॉग्स मिले। इसरो ने अभी तक टोटल 7 स्पेस मिशंस किए हैं। स्पार्को के पास अभी तक अपना कोई लॉन्च पैड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। हम दोनों मजे में हैं और आज हम लोग रिएक्शन देंगे इसरो वर्सेस स्पार्को कंपैरिजन 2021। और इसरो, जो लोग इंडिया से देखें उन्हें पता है कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है, स्पार्को पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है। सो बेसिकली वर्सेस है और हम हमेशा ये कहते हैं जो वर्सेस वीडियोस होती हैं हम ओनली फॉर द सेक ऑफ नॉलेज देखते हैं, तो किसी को भी डिग्रेड करना ये हमारा मतलब कतई नहीं है। सो रिएक्शन देंगे और उसके बाद करेंगे एज यूजुअल डिस्कशन। हे व्यूवर्स, आप सभी का वेलकम है आज के इस कंपैरिजन वीडियो में। तो इस वीडियो में हम दो स्पेस एजेंसीज को कंपेयर करेंगे। एक है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे इसरो कहा जाता है और ये इंडिया की स्पेस रिसर्च कंपनी फुल फॉर्म है उसका, और दूसरी है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन जो कि स्पार्को है और ये पाकिस्तान की स्पेस रिसर्च कंपनी है। ये कोई हेल्दी कंपैरिजन नहीं होगा क्योंकि इसरो स्पार्को से काफी ज्यादा आगे है। यानी कि हर फील्ड में इसरो जो है स्पार्को से कई गुना आगे है। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है तो इसलिए आज की ये वीडियो इस टॉपिक पे बनाई गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब करें मिस्टर कामरान चैनल को और प्रेस करें साथ वाले बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। इसरो एब्रिविएशन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। इसरो की फाउंडेड डेट 15 अगस्त 1969 है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका इंडिया में है। इसरो के एम्प्लॉइज की तादाद 17,500 है और 2019 और 20 में इसरो का बजट 1.9 बिलियन US डॉलर है। इसरो के फर्स्ट चेयरमैन डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं, जिन्हें फादर ऑफ द इसरो भी कहा जाता है। स्पार्को का एब्रिविएशन है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। स्पार्को की फाउंडेड डेट 16 सितंबर 1961 है। वो बाद में स्पार्को का हेडक्वार्टर कराची सिंध पाकिस्तान में है। एम्प्लॉइज भी कम। स्पार्को के पास टोटल 3,500 एम्प्लॉइज। 2020 में स्पार्को का बजट 36 मिलियन US डॉलर था। स्पार्को के फर्स्ट चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल सलाम हैं, जिन्हें फादर ऑफ स्पार्को भी कहा जाता है। इसरो की फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट थी। इसरो की फर्स्ट लॉन्च डेट 19 अप्रैल 1975 थी और इसरो ने सोवियत यूनियन की मदद से अपना पहला सक्सेसफुल लॉन्च किया था। इसरो की मदद से अब तक 319 सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली स्पेस में भेजा जा चुका है। इसरो के पास टोटल 3 लॉन्च पैड हैं और 3 टोटल स्पेस पोर्ट्स हैं। इसरो ने अभी तक टोटल 7 स्पेस मिशंस किए हैं, लेकिन इसरो ने अभी तक 1 करोड़ मिशन नहीं किया। अच्छा। इसरो के पास एक ही लॉन्च में सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। 2017 में इसरो ने एक रॉकेट से 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया था, जो कि इसरो के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी। 104 इसरो के पास जीपीएस सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, रिमोट सैटेलाइट और एंटी सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम है। पाकिस्तान की पहली सैटेलाइट रहबर 1 थी और स्पार्को की फर्स्ट लॉन्च डेट June 7th, 1962 है। स्पार्को ने अपना पहला लॉन्च नासा की मदद से किया था। स्पार्को ने चाइना और यूएसए के लॉन्च पैड से अभी तक सिर्फ 7 सैटेलाइट को ही स्पेस में लॉन्च किया है। स्पार्को के पास अभी तक अपना कोई लॉन्च पैड नहीं है। स्पार्को के पास सिर्फ 1 स्पेस पोर्ट है और इस स्पेस पोर्ट को मिलिट्री मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान के पास कम्युनिकेशन और रिमोट सैटेलाइट्स हैं। अच्छा, बस 2 हैं। स्पेस मिशंस।
इसरो के टॉप फोर स्पेस मिशन में नंबर वन पे है चंद्रयान वन, चांद पे भेजी थी सैटेलाइट। पहला मून मिशन था और ये मिशन 2008 में कंप्लीट हुआ था। इसरो ने इसी मिशन की मदद से चांद पर पानी को डिस्कवर किया था। ओ, चांद पे पानी। नंबर टू पे जो मिशन है वो है चंद्रयान टू। इसरो का ये दूसरा मून मिशन था जो कि काफी हद तक कामयाब रहा, एंड में जाके थोड़ा मसला लेकिन इस मिशन में लैंडर के सिग्नल्स की खराबी की वजह से लैंडर इस मिशन में यूज नहीं हो सका। नंबर थ्री पे है मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान। इंडिया का मार्स पर यह पहला मिशन था जो कि सक्सेसफुल रहा। इस तरह इंडिया 2013 में मार्स तक पहुंचने में कामयाब रहा। नंबर फोर पे जो स्पेस मिशन है वो है एस्ट्रोसैट। ये इंडिया की पहली एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट है जिससे कॉस्मिक रेज, एक्स रेज और यूवी रेज और इसके अलावा हमारी गैलेक्सी को जानने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ये मिशन भी 2015 से ऑन गोइंग है। स्पार्को ने पिछले 60 सालों में अभी तक कोई भी स्पेस मिशन नहीं किया। फ्यूचर मिशन। इसरो के फ्यूचर मिशंस में नंबर वन चंद्रयान थ्री। अच्छा, क्या है इस बार? 2021 में लॉन्च किया जाएगा और इस मिशन में चांद पर लैंडर रोबोट को भी भेजा जाएगा। रोबोट लैंडर होता है ना, लैंड करता है वहां जाके। ये मिशन भी 2021 में लॉन्च किया जाएगा सब पता करने के लिए ना। ये इसरो का पहला क्रूड मिशन होगा। इस मिशन में पहली बार इसरो की तरफ से स्पेस में तीन एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। बड़ा मुश्किल होता है, नासा ने अभी तक भेजा है। ये मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में चांद की उस साइड को एक्सप्लोर किया जाएगा जो हम जमीन से कभी नहीं देख पाए। लेकिन इस मिशन से इसरो डार्क साइड ऑफ द मून को भी एक्सप्लोर कर पाएगा जहां पर अभी तक कोई और स्पेस एजेंसी नहीं जा पाई। अच्छा। नंबर थ्री पे है आदित्य L1। ये मिशन लॉन्च किया जाएगा 2022 में, मतलब कमिंग मिशन। इसरो के इस मिशन से स्पेस को डीपली एक्सप्लोर किया जाएगा। इस मिशन से नई गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स को ढूंढने में काफी मदद मिलेगी। नंबर फोर पे है रियासत 1A। ये मिशन भी 2021 में लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन इंडिया के मैप को मजीद डिटेल से जानने के लिए होगा जिससे इंडिया के तमाम एरिया का 5-dimensional मैप तैयार किया जाएगा। 5D। नंबर सिक्स पे है निसार और ये मिशन 2022 में लॉन्च किया जाएगा। ये भी आने वाला। ये मिशन इसरो और नासा का एक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन होगा। निसार। इसमें ये दोनों स्पेस एजेंसीज मिलकर काम करेंगी और अर्थ की इन्वायरमेंट चेंजेस पे स्टडी की जाएगी और डाटा को एनालाइज किया जाएगा। नंबर सेवन पे है मंगलयान 2। ये मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा। ये इंडिया का मार्स के लिए दूसरा मिशन होगा लेकिन इसमें लैंडर और रोवर भी मार्स पर भेजे जाएंगे। नंबर एट पे है शुक्रयान 1 और ये मिशन लॉन्च किया जाएगा 2023 में। ये मिशन इसरो का प्लैनेट वीनस पे पहला मिशन होगा। वीनस पे इंडिया वीनस प्लैनेट तक पहुंचने में भी कामयाब होगा। अगर बात की जाए पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी के फ्यूचर मिशंस की, स्पार्को के फ्यूचर मिशंस में 2040 तक अपना एक स्पेस पोर्ट बनाना और अपनी स्पेस व्हीकल्स बनाना शामिल है। okay. और इसके अलावा स्पार्को 2040 तक अपनी GPS और नेविगेशन सैटेलाइट भी स्पेस में लॉन्च करेगा। 2040 बहुत लेट है। तो ये था हमारा आज का कंपैरिजन इन दोनों स्पेस एजेंसीज कंपनीज का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक। ओके जी, जैसे कि कामरान भाई का चैनल है जिन्होंने नाम फैक्ट्स नाउ के नाम से कर दिया है, इन्होंने सबसे पहले बोल दिया कि कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। और जैसे कि हमने वीडियो में भी देखा कि इसरो कितना आगे है, बहुत आगे है। लेकिन ये है कि एक एक डिटेल्ड हमको बताई गई इन्फॉर्मेशन, कब स्टार्ट हुआ था, कौन फाउंडर थे और कितनी सैटेलाइट्स भेजी गई। और इंडिया का वो देखा था एक ही लॉन्च में 124 सैटेलाइट्स एक साथ भेज दी गई थी। रॉकेट के थ्रू जो है 104 सैटेलाइट्स भेजी गई थी, वो कामयाब हुआ था मिशन। सबसे पहले तो ये जो इसकी फाउंडेड डेट है वो है 15th of August 1969। हाँ, 69 में हुआ था इसरो फाउंड। और मजे की बात है कि इसरो बाद में फाउंड हुआ था स्पार्को से। हाँ, और लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटका इंडिया में है। एंड स्पार्को जो है वो पहले हुआ था 61 में कराची में।
लेकिन ये है कि एम्प्लॉयज भी ज़्यादा इसरो के, बजट भी ज़्यादा इसरो का काफ़ी बिलियन में है, और 17,000 के आसपास थे ना एम्प्लॉयज़। हाँ 17,000 के। और दूसरी बात यह कि इसरो की फिर वही बात बताई कि लॉन्च पैड ज़्यादा, स्पेस पोर्ट्स ज़्यादा, और वही वहीं पे अगर आप 319 सैटेलाइट्स। हाँ सो पार्कों में जाएं तो वहाँ पे नहीं है, और इसरो ने कब भी काफ़ी पहले जीपीएस और काफ़ी सारी उस चीज़ों के लिए सैटेलाइट्स भेज दी थी, जो कि पाकिस्तान का बताया जा रहा है कि 2040 के पास कहीं जा करके स्पेस सेंटर बनाने का इरादा है। और जो पहली सैटेलाइट थी इसरो की वो थी आर्यभट्टा। हाँ फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा थी। तो मतलब है कि और दूसरा सक्सेसफुल मिशंस जो थे इसरो के, जिन पे काफ़ियों पे मैंने किया हुआ है, चंद्रयान 1 था, 2 था, 2 थोड़ा सा एंड पे जाकर सारा मसला कर गया, लैंडर का इशू था, दूसरा ये है कि चंद्रयान, फिर मंगलयान किया जिस पे मूवी बनी थी एक मिशन मंगल करके, अक्षय कुमार थे, और अब आगे जाके इतने सारे लाइंड अप उनके देखा था, वीनस पे भेजने का प्लान है, चंद्रयान 3 आ रहा है, और चंद्रयान 3 इस बार कह रहे हैं सक्सेसफुल भी होगा। और कौन सा है जो, हाँ और एक मिशन है इनका कि जो मून की जो डार्क साइड है वहां पे जाने का, उस करने का जो अभी तक किसी ने नहीं, नासा ने भी नहीं किया, एक नासा के साथ मिलकर ज्वाइंट को इनका है, गगनयान भी था, एक गगनयान करके भी था, तो काफ़ी सारे हैं। और मतलब है कि उधर दूसरी साइड पे वो स्पार्को का कुछ नहीं बता पाए, क्योंकि वो वहाँ पे बता रहे हैं कि इतने सालों में उनकी कोई इस तरह की एक्टिविटी हुई नहीं है, और वो अगर कोई होनी भी है तो 2040 में जाके होनी है, लेकिन 2040 में जाके होनी, उसमें बहुत टाइम पड़ा, तब तक इसरो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होगा। तो आई होप कि स्पार्को भी स्पीड पकड़े और वो भी आगे जाए, जिस तरह कि इसरो काफ़ी सारी लगा हुआ है इस चीज़ों में, अपने मिशंस को लाइंड अप रखा हुआ है, और इसरो की अक्सर अचीवमेंट्स पे हम देखते भी हैं। सो ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, और काफ़ी हम दोनों की इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से नॉलेज बढ़ी है। एंड अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव रिएक्शंस चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम डिफरेंट रिएक्शंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और बेगम बताइए आपको, अगर आपको ये रिएक्शन अच्छा लगा तो, अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगा तो उसको जाके एक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हमारे ब्लॉग से जाके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम लोग नए रिएक्शन लेके आएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।